नमः शिवाय। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार चित्रा नक्षत्र तुला राशि में चंद्रमा चल रहे हैं। चित्रा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर शरीर वाले, धनी, स्पष्टवादी, साहसी और व्यवहारिक होते हैं। ये तर्क प्रधान, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों के शौकीन और नेतृत्व करने वाले होते हैं। बात करने में चतुर और ईमानदार, अध्ययनशील भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों को पहले से चली आ रही रुकावटों में कमी आएगी। रुकी हुई कार्य योजनाएं संपन्न होंगी। अपने कामों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी। माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता बनी रहेगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विरोधियों से सावधान रहना होगा। निजी मामलों में खर्च संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी होगी। वृष राशि वाले जातकों को मन में आज नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। किसी की कही हुई बातों से अपने ऊर्जा स्तर को प्रभावित ना होने दें। आपकी सोच और कार्य क्षमता आपके उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होंगी। धैर्य और संयम रखकर अपने कामों को करते जाएं। आर्थिक लाभ आपको मिलता जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है। पुराने रिश्ते पुनर्जीवित होंगे। स्वास्थ्य संबंधी सुधार जारी है, फिर भी विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि वाले जातक प्रतिदिन एक नई चुनौती महसूस कर रहे हैं। आपका ऊर्जा स्तर कई कामों को एक साथ करने के लिए सक्षम भी है। नए नए रिश्ते स्थापित होंगे जिसका लाभ आपको मिलता जाएगा। दूसरों की सलाह और मदद आपके शौक में शामिल होगा। व्यावसायिक व्यवस्था बढ़ी रहेगी। आर्थिक लाभ अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वैवाहिक मामलों में सफलता मिल सकती है। शारीरिक मामले में स्वयं ध्यान रखना होगा। अधिक जिम्मेदारी का एहसास होता रहेगा। कर्क राशि के जातकों का पूरा दिन व्यस्तता में बीतेगा। कार्य की अधिकता बनी रहेगी। प्रशंसा के पात्र बनेंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। अटके हुए काम संपन्न होंगे। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। संबंधों में निकटता आएगी। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। शारीरिक दिक्कतों के पुनरावृत्ति संभावित है। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं में रुकावट संभावित है। बड़े बुजुर्गों की सलाह और सहयोग लाभ दिलाएगा। संबंधित मामलों में छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम से लाभ और संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी। निजी संबंधों पर ध्यान देना होगा। मानसिक तालमेल में कमी संभावित है। निजी संबंधों में तर्क करना उचित नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां खत्म होंगी, मगर कुछ नई परेशानियां संभावित हैं। कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता जारी रहेगी। नई व्यावसायिक योजनाओं के और विकल्प मिल सकते हैं। कुछ मामले आपकी सोच के अनुरूप अनुकूल बनते जाएंगे। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। विवाह प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। साझेदारी के कामों में लाभ मिलता जाएगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। न्यायालय या वाद विवाद संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। शारीरिक फिटनेस के लिए योगा व व्यायाम करना चाहिए।
तुला राशि वाले जातकों के वैवाहिक मामले साकार हो सकते हैं। आपका ऊर्जा स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, ईश्वरीय प्रेरणा मिलती रहेगी, रुकी हुई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल है। कर्मचारियों को अपने कागजात संभाल कर रखने होंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी होने या गायब होने का अंदेशा बनता है। वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी योजनाओं को किसी से भी शेयर ना करें। आज के दिन शुरुआती दौर में थोड़ी उलझन संभावित है, मगर कुछ समय बाद माहौल आपके पक्ष में हो जाएगा। व्यावसायिक योजनाओं में लाभ की स्थिति बनी हुई है। अच्छे कामों में खर्च का दौर जारी रहेगा। वित्तीय मामलों में सोच समझकर निर्णय लेना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। वाणी में मधुरता बनाए रखें और नकारात्मक विचारे वाले लोगों से दूर रहें। धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। नए कार्यों में सहयोग मिलता जाएगा। मेहनत के मामले में प्रशंसा के पात्र बनेंगे। मध्य की साढ़े साती का दौर चल रहा है। गुस्से और धैर्य पर नियंत्रण रखना होगा। संबंधों को बिगड़ने से बचाएं। किसी से अनावश्यक वाद विवाद उचित नहीं होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मकर राशि वाले जातकों के अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। संबंधित मामलों में मित्र व अधिकारियों के साथ यात्रा भी संभावित है। नई कार्य योजनाओं को लेकर कई मामले सामने आएंगे। उचित निर्णय लेते हुए लाभदायक योजनाओं को चुनना होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चली आ रही मानसिक व्यग्रता कम होगी। आर्थिक लाभ के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। कुतर्क से बचना होगा। क्षणिक उत्तेजना को नियंत्रित करें। नई कार्य योजनाओं से दूरी बनाकर रखें। पहले की चली आ रही योजनाओं की निरंतरता बनाए रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। संतान संबंधी मामलों में सुखद समाचार मिल सकता है। वैवाहिक मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। मीन राशि वाले जातक हर्ष और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। ऊर्जा स्तर बढ़ा हुआ रहेगा, मगर दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार बैठे रहेंगे। किसी बात को लेकर प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। व्यावसायिक योजनाओं में परिश्रम करना होगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास संभावित है। प्रशंसा के पात्र बनेंगे। आर्थिक मामलों में नए निवेश से बचें। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में परिश्रम करना होगा। निजी मामलों में भावनाओं का ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल महसूस होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।